अनुदेशक जीव है, अनुदेशक जो प्रजाति है ये सर 2017 के बाद नेट के बाद बड़ी वो हो गई है, मतलब आप इसे स्टैंडर्ड कह सकते हैं, जो हजार बार अब सबसे बड़ी बात सर, पहले तो हम अपने हक की भी लड़ाई लड़ रहे हैं और उन घर में बैठे लोगों के लिए भी लड़ रहे हैं जो कभी किसी भी चीज में मतलब वो साइलेंट मोड में चले गए, वो कुछ चाहते ही नहीं सर, लेकिन इसके लिए आवाज बगैर उठाए कुछ संभव नहीं। कितने बार आवाहन नहीं करते, हर महीने एक दो आवाहन हो जाते कि भाई एक घंटे का लाइफ टाइम निकाल के जुड़ जाए, लेकिन नहीं नहीं जुड़ते हैं। उनको लगता है कि वो इससे ज्यादा रील पे उनका जो मनोरंजन है वो ज्यादा हावी है। लेकिन फिर भी ये जो दौर है सर, जो कल आप सेमीफाइनल के परिणाम की बात कर रहे हैं, ये बड़ा भावी दौर है, बड़ा चिंतनीय है, जिसमें जितने भी लोग जुड़े हों 100, 200, 500 कम से कम ये चीज का चिंतन करें कि अगर आप आज नहीं कर रहे हैं, कोई भी प्रयास नहीं कर रहे हैं, तो भविष्य में पूरे जीवन में सोचने के अतिरिक्त आपके पास क्या बचेगा। सर ये पीढ़ी जब आगे वाली पीढ़ी में जाएगी 20 साल बाद और इनके बच्चे कहेंगे कि पापा जब ये संविदा आपके समय में शायद समाप्त हो जाती, इस हक की लड़ाई लड़ लिए होते तो हमको नहीं ये झेलनी पड़ेगी, मुझे लग रहा है उस समय बेबस और हाथ बांधे नजर आएंगे, क्योंकि ये हमारी भर लड़ाई नहीं है, उदय सिंह भाई की लड़ाई नहीं है। जैसा कि हम देख रहे हैं 3-4 साल 5 साल में संविदा बहुत ज्यादा प्रसार किया जा रहा है और उस पर सुविधाएं वगैरह कुछ भी नहीं है, जो सरकारी संविदाएं वो सारी की सारी संविदाएं 5,000, 7,000, 10,000, 12,000 से ऊपर होती नहीं है और वर्क बराबर कर्मचारी का लिया जाता है। सर मैं जितने भी साथी जुड़े हैं उनको एक बार फिर से आगाह करता हूं, जितने हो जो भी हो बहुत हो, आप अपने अपने जितने भी आपके करीबी मित्र हैं उनसे एक बार कहिए कि एक महीने का समय है हमारे पास, 1.25 महीने का समय, भाई फिर पता नहीं बादल किस दिन हो जाए, किस दिन बूंद आके गिर जाए, कोई भरोसा है, लेकिन फिर भी अगर उनके कानों तक आवाज जा रही है, इंसान होने की अगर अस्मिता दांव पर लग जाए तो साइलेंट मोड को त्याग देना ही उचित है। और अगर अब भी नहीं जागे तो फिर जीवन भर पछताना तो है ही, पछताएंगे और क्या है, अभी भी समय है।